बार बार हमारे साथ जब भी तकलीफ होती है तो प्रोटेस्ट तो करते हैं, एहतजाज तो करते हैं और रैली तो निकालते हैं, लिखाकर हम मेमोरेंडम देते हैं। लेकिन जो संघ परिवार की गुंडागर्दी चल रही है और उनकी गुंडागर्दी में आपके कुछ पुलिस वाले भी गुंडागर्दी कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैटल फॉर द पर्पस ऑफ स्लॉटर। हर गाय ट्रांसपोर्ट सिर्फ काटने के लिए नहीं होती है, हर गाय पालने के लिए होती है, हर गाय दूध के लिए भी होती है। ये बकरीद में अलर्ट होता पुलिस गुरुवार, बहुत अलर्ट होता ये पुलिस को। गुरुवार पुलिस को जो राइस मापी का मालूम नहीं होता, ये फूड मापी का मालूम नहीं होता, गुटखा मापी कुछ मालूम नहीं होता। जो आप गाय पकड़ कर लेकर जाते हैं वो ईद के बाद कहाँ जाती है? वो ईद के बाद फिर वही मार्केट में आती है। और साथ ही साथ कुछ गौरक्षक अपने आप को गौरक्षक कहते हैं, वो गौरक्षक नहीं, वो हकीकत में वो गुंडे हैं, वो क्रिमिनल्स हैं, वो रौडी शूटर हैं गुलबर्ग के, उनका भी रिकॉर्ड निकाला जाए। यहाँ पर ये सरकार हमारे पास से खाने का, बोलने का, पहनने का हर वो चीज छीनना चाहती है, आजादी हमारी छीनना चाहती है। ये चंद गिने चुने हुए गुंडे, ये रौडी शूटर या गुलबर्गा शहर में अपने आप को गौरक्षक की शक्ल में पेश करके हथियारों के साथ वहाँ पर लोगों को गाड़ियाँ रोकते हैं, लोगों के घरों के अंदर झांक। जैसे ही मुसलमानों की ईद आती है उसी वक्त इनको कानून, लॉ, सब सिस्टम, सब कुछ याद आता है। दूसरे टाइम पर तहारी, पाया, सब खाकर बैठे हुए रहते हैं। कमिश्नर साहब को आना होगा वरना यहीं पर धरना होगा। हम आज यहाँ पुलिस कमिश्नर गुलबर्गा उनका ऑफिस के सामने आए हैं। ये हमारा डिमांड जो काउ स्लॉटर एक्ट के नाम से जो पुलिस का गुंडागर्दी चल रहा था, स्पेशली यहाँ जो फार्मर्स हैं एंड मुसलमान बंदों के ऊपर, हमने अभी पुलिस कमिश्नर आए, हमारे मेमोरेंडम लिया हो, हम बोले कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स लोग संघ परिवार की बात सुनकर जो पुलिस ड्रेस में वो दलित एंड मुस्लिम को टारगेट कर रहा है, अगर वो ऐसा ही शौक है तो उनका ड्रेस निकल के पूरा टोटल 100% संघ परिवार के काम करने को बोल दो, और वो संघ परिवार के लोगों की बात सुनकर जो मुसलमान एंड दलित एंड जो फार्मर्स उनके खेत में जाके वो गाय लेकर आना, भैंस लेकर आना, उनको हैरेसमेंट देना, उनके ऊपर जो झूठे केस रजिस्टर करके हैरेसमेंट जो दे रहे हैं उनके ऊपर एक्शन ले लो, नहीं तो हम 14 तारीख को A14 को जो ADGP अलोक कुमार साहब आ रहे हैं जो इंस्पेक्शन के लिए, उनके सामने हमारे पूरे दलित सेना के डेलीगेटर्स जाके मेमोरेंडम देना पड़ता है। तभी कमिश्नर हमें आश्वासन दिया कि नहीं, मैं इंक्वायरी करवाता हूँ, अभी उनके पास अगर कोई किसी के पास स्लिप्स है, APMC का कोई रिसिप्ट है तो उनके ऊपर कुछ एक्शन नहीं होगा, हम उनका वो एक जानवर भी रिलीज करेंगे, ऐसा नहीं होगा। और कभी मैं अभी जो पूरा पुलिस ऑफिसर को बुला के समझा तो बोल के उसने पुलिस कमिश्नर बोल दिया, तो इसलिए 14 तारीख तक हम एक अल्टीमेटम टाइम दिया है 14 तारीख तक। अब अगर ये जो मुसलमान के त्यौहार आ रहे हैं 10 तारीख को, ये क्या कौन सा त्यौहार बोलते हैं, बकरीद बोल के, ये बकरीद में अलर्ट होता पुलिस गुरुवार, बहुत अलर्ट होता ये पुलिस को। गुरुवार पुलिस को जो राइस मापी का मालूम नहीं होता, ये फूड मापी का मालूम नहीं होता, गुटखा मापी कुछ मालूम नहीं होता। ये बकरीद के टाइम में मुसलमान के जो इसके टाइम में वो उनके घर में जाना, वो खेत में जाना, वो गाय है क्या, ये कुछ नहीं देखते वो लोग, अलर्ट बहुत अलर्ट होता। ये नहीं होना बोल के हमने पुलिस कमिश्नर को मेमोरेंडम दिया, उसने स्वीकार किया और हमारे जो बात माने हो वो क्या करते देखेंगे, 14 तारीख के फिर जो क्या होता मैं आपसे बात करूंगा। यहाँ पर दलित सेना के जानिब से एक प्रोसेशन निकाला गया सिटी पुलिस ऑफिस कमिश्नर ऑफिस तक, और कमिश्नर साहब से मुतालबा ये किया गया है कि हर आए दिन यहाँ पर गुलबर्गा शहर में एक दहशत का माहौल का बनाया जा रहा है। कुर्बानी की ईद अब यहाँ पर करीब जो ही करीब आती है, हर बार हर साल
इसी तरह का वातावरण बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ख़ास तौर पे इस बार का जो मामला है कुछ अलग है, तो इसको लेकर हम देख रहे हैं कि रात के अंधेरे में कुछ कांस्टेबल घरों के अंदर घुसकर झांक कर देख रहे हैं कि अंदर जानवर है या नहीं है। तो उसके ताल्लुक से भी हमने पुलिस डिपार्टमेंट से बात की, उनको बताया कि कुछ पुलिस की वर्दी में रात के जब सूरज जब डूबता है और अरुज होता है उसके दरमियान जो है कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी के घर के अंदर एंटर नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर कुछ कांस्टेबल हैं कुछ मुख्तलिफ एरिया में, वो कांस्टेबल घरों के अंदर घुस घुस कर छाँक छाँक कर देख रहे हैं, तो ये गलत है। और साथ ही साथ कुछ गौरक्षक अपने आप को गौरक्षक कहते हैं, वो गौरक्षक नहीं, वो हकीकत में वो गुंडे हैं, वो क्रिमिनल्स हैं, वो रौडी शूटर हैं गुलबर्ग के, उनका भी रिकॉर्ड निकाला जाए, उनको भी देखा जाए कि वो हकीकत में गौरक्षक हैं। तो मैं वो गौरक्षक से भी कहना चाहता हूँ, हकीकत में गाइस से अगर आपको मोहब्बत है, उनको अगर आप मानते हैं, उनको माता अगर मानते हैं, तो अपने घरों के सामने सबसे पहले एक एक गाय को पाले, उसके बाद गौरक्षक का मुहिम बाहर चलाएं। तो यहाँ पर हम उनको पुलिस डिपार्टमेंट को कह रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट को भी ये कह रहे हैं कि आप जो है पुलिस रहकर वहाँ पर आपकी आँखों के सामने ये गौरक्षक अपने आप को पुलिस कह रहे हैं, ये चंद गिने चुने हुए गुंडे, ये रौडी शूटर या गुलबर्गा शहर में अपने आप को गौरक्षक की शक्ल में पेश करके हथियारों के साथ वहाँ पर लोगों को गाड़ियाँ रोकते हैं, लोगों के घरों के अंदर झांकते हैं, और हम देख रहे हैं कुछ दिनों से वो लोगों को। मैं उन गौरक्षक से कहना चाह रहा हूँ, अगर आप लोग इसी तरह से घूमते रहेंगे मुस्लिम एरिया के अंदर, अगर कहीं भी अगर नज़र आएंगे उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं अभी कह रहा हूँ, देख रहा हूँ कुछ दिनों से टू व्हीलर गाड़ी लेकर हमारे मुस्लिम एरिया के अंदर वहाँ पर फिर रहे हैं। यहाँ पर रही बात केस की, कानून की, एक्ट की, वो एक्ट में जो है वो कानून के मुताबिक पुलिस काम करने दो। सेक्शन 5 ऑफ कर्नाटका प्रोविजन ऑफ कॉ स्लॉटर एक्ट क्या कहता है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैटल फॉर द पर्पस ऑफ स्लॉटर, हर गाय ट्रांसपोर्ट सिर्फ काटने के लिए नहीं होती है, हर गाय पालने के लिए होती है, हर गाय दूध के लिए भी होती है। तो यहाँ पर जो भी गाय अगर पालता है इसका मतलब ये नहीं कि वो काटने के लिए पालता है, वो दूध के लिए भी पाल सकता है, वो ज़िराद के लिए भी पाल सकता है, वो फार्मिंग के लिए भी पाल सकता है। तो यहाँ पर पूरे गाय पूरे भैंस कोई भी जानवर पाल रहने दो, जब भी अगर हमारे पोजिशन में अगर होता है इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरे जानवर काटने के लिए कुर्बानी के लिए होते हैं, तो पालने के लिए भी होते हैं। यही बात हम कमिश्नर साहब से मैं उनके सामने बताया कि यहाँ पर कुछ गुंडे हैं, कुछ पुलिस ऑफिसर हैं, अपने मोबाइल के स्टेटस के अंदर पुलिस ऑफिसर बड़े शाफ्स की बात है, अपने स्टेटस के अंदर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की फोटो लग रहा है। तो मैं वो पुलिस ऑफिसर से भी कहना चाहता हूँ, ये पॉलिटिकल पार्टीज के जो भी लीडर्स होते हैं उनके स्टेटस अपने मोबाइल के अंदर नहीं डाल सकते। आप यहाँ पर अवाम के लिए या पब्लिक के लिए सिटीजन के लिए आप ऑफिसर हैं, किसी पर्टिकुलर पार्टी या किसी लीडर के लिए आप ऑफिसर नहीं है। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि ऑफिसर अगर स्टेटस में नरेंद्र मोदी अमित शाह का अगर फोटो डालता है तो उनकी नीयत क्या है वो मालूम हो जाता है। तो ऐसे ऑफिसर के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए, ये बात भी यहां पर इनके सामने हम कर चुके हैं। देखना है क्या करते हैं, मेमोरेंडम दिए, प्रोसेशन निकाले, उसके ऊपर कार्रवाई होती है नहीं होती है वो भी देखेंगे। बार बार हमारे साथ जब भी तकलीफ होती है तो प्रोटेस्ट तो करते हैं, एहतजाज तो करते हैं और रैली तो निकालते हैं, लिखाकर हम मेमोरेंडम देते हैं, वो बहुत ही स्टाइल से अंदाज अपने अंदाज में वो मेमोरेंडम रिसीव करते हैं, फिर जाकर एसी के अंदर बैठते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एसी के अंदर बैठिए, लेकिन अवाम के लिए आप वहाँ पर बैठे हैं तो अवाम की तहफ़ के लिए आपको काम करना होगा। अगर आप नहीं कर सकते तो आप इस्तीफा देकर अपने घरों के अंदर अपने बीवी बच्चों को भी देखिए, क्योंकि यहाँ पर गरीब लोग हैं जो बेरोजगार हैं। पहले कोविड से हम अभी बाहर आए, यहाँ पर किसान परेशान है, अपने जानवर अपने घर में रख कर वो परेशान है, बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, तो ऐसे हालत में किसान क्या करेगा, गरीब क्या करेगा, जिसके पास जानवर है वो क्या करेगा। तो यहाँ पर कमिश्नर साहब ने देखेंगे, उन्होंने वादा किया है कि पुलिस ऑफिसरों से वो बात करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, तहकीक करेंगे और उसके बाद वो कार्रवाई करेंगे, ये वादा किए हैं। 14 तारीख तक हम इंतजार करने वाले हैं, आलोक कुमार साहब आएंगे तो अगर कार्रवाई अगर होती है तो ठीक है, ना तो फिर आलोक कुमार साहब के सामने हम अपनी बात रखेंगे। आज यहाँ पर दलित सेना के जानिब से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, ये प्रोटेस्ट जगत सर्कल से शुरू होकर यहाँ पर गुलबर्गा पुलिस कमिश्नर साहब को मेमोरेंडम देने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमारा यहाँ पर यही डिमांड है, यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस के जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, सिर्फ और सिर्फ यही डिमांड, यही सवाल हम लेकर आए हैं, क्या मुसलमान गाय नहीं पाल सकता, क्या मुसलमान गाय खरीद नहीं सकता, क्या मुसलमान हल नहीं चला सकता अपने खेत में, ये सवाल पुलिस कमिश्नर साहब से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हम पूछने के लिए आए हैं। ये लोग लगातार
जब से ईद का जैसे ही मौका आया उसके फौरी बाद ये एक्टिव हो गए। साल भर इनको गाय माता का प्यार नजर नहीं आया गौ रक्षकों को, और उसके साथ साथ कॉ स्लॉटर बिल को इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार की जूं भी नहीं रहेंगी। लेकिन जैसे ही मुसलमानों की ईद आती है उसी वक्त इनको कानून लॉ सब सिस्टम सब कुछ याद आता है। दूसरे टाइम पर तहारी पाया सब खाकर बैठे हुए रहते हैं। ये सब लोग तहारी पाया सब खाते हैं, जैसे ही ईद आती है उस वक्त गौ माता की जय बोलकर आ जाते हैं। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। कोई भी इल्लीगल एक्टिविटी करने के बारे में हम लोग नहीं कह रहे हैं। हम लोग भी चाहते हैं जो लॉ बना है उसके अंदर करेक्शंस हो। हम लोग भी चाहते हैं जो बीफ एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में हो रहा है वो भी बंद हो। हम लोग भी चाहते हैं, और जो गाय जो लावारिस गाय पूरे तिम्मापुरी से लेकर जगह सर्कल तक सैकड़ों गाय फिर रही है, हम चाहते हैं उन गाय की रक्षा भी हो। लेकिन हमारा सवाल ये भी है, जो आप गाय पकड़कर लेकर जाते हैं वो ईद के बाद कहाँ जाती है? वो ईद के बाद फिर वही मार्केट में आती है, वही मार्केट में आती है डबल का ट्रिपल रेट में। पुलिस डिपार्टमेंट और ये गौ रक्षक के लोग मिलकर बेचते हैं माँ को। अगर माँ का इतना ही प्यार है, मैं पूछना चाहता हूँ पिछले साल सैकड़ों गाय पकड़ी गई थी वो कहाँ पर है? वो गौ, अगर हम जाकर देखेंगे जितने भी गौशाला है पूरे खाली पड़े हुए हैं। अब वहाँ पर 10 दिन में भरा गया है वहाँ पर, फिर वो 15 दिन के बाद बेच देंगे। तो हम लोग चाहते हैं अगर लॉ इम्प्लीमेंट हो रहा है पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो। और रही बात आप ख़रीदने के बाद आपको कैसा मालूम पड़ता कि वो फलाना मुसलमान खरीदा बोलकर, सबसे पहला ये सवाल। और दूसरा सवाल, आप हफ्ते के बाज़ार में शनिवार के मार्केट में कितने जो सेल कर रहे हैं किसान, कितने ऐसे लोग जो नॉन मुस्लिम जो हिंदू लोग अपने गाय को अपने बछड़े को अपने जो खुलगे को बेच रहे हैं उनको क्यों नहीं पकड़े आप? उनको क्यों डिटेन नहीं करे आप? उनके ऊपर केस क्यों नहीं करे आप? ये सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ पर ये सरकार हमारे पास से खाने का बोलने का पहनने का हर वो चीज़ छीनना चाहती है, आज़ादी हमारी छीनना चाहती है। हम आपको मालूम होना चाहिए 80% से ज़्यादा इंडिया के लोगों का पौष्टिक आहार है प्रोटीन, जिससे बीफ से आता है दूसरे मटन चिकन से आता है। लेकिन इन लोगों को हमारा प्रोटीन हमारा पौष्टिक आहार छीनना चाहते हैं ये लोग। तो हमारा डिमांड यही है, जो भी ये जो इल्लीगल एक्टिविटी पुलिस की तरफ से जो छापेमारी हो रही है जो इल्लीगल छापे हो रहे हैं हम इसको रोकने का डिमांड करते हैं। किसानों पर हमला करने से रोकने का डिमांड करते हैं, और दलितों और मुसलमानों के मुँह से निवाला जो छीना जा रहा है उसको रोकने की बात हम लोग करते हैं। मैं आखिर में एक ही बात कहना चाहूँगा, जिस तरीके से एक कहावत है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, उसी तरीके से ये बीजेपी के और ये संघ परिवार के लोग बीफ का स्वाद नहीं जानते। हम लोग जानते हैं, मुसलमान और दलित ओबीसी लोग जानते हैं, ये लोग नहीं जानते हैं। तो आखिर में यही कहूँगा कि कमिश्नर साहब डिप्टी कमिश्नर साहब आप लोग लॉ को इम्प्लीमेंट करिए, हम आपके साथ रहेंगे। लेकिन जो संघ परिवार की गुंडागर्दी चल रही है और उनकी गुंडागर्दी में आपके कुछ पुलिस वाले भी गुंडागर्दी कर रहे हैं, अगर आप उसको नहीं रोकेंगे हम इससे बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, यही हम यहाँ पर कहना चाहते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद सरकार के।